प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस दोनों शादी के बंधन में बन चुके हैं, लेकिन इसी के साथ शादी में आतिशबाजी करने के चलते सोशल मीडिया पर ट्रोल भी होना पड़ा था। अब ऐसे में इसके साथ एक और मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जानवरों की देखरेख करने वाले पेटा ने प्रियंका निक पर शादी में जानवरों को इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। पेटा ने लिखा, प्रिया प्रियंका और निक, शादी में इस्तेमाल किए गए हाथी और घोड़े को लोग अब रिजेक्ट कर रहे हैं। शादी की शुभकामनाएं, लेकिन हमें खेद है कि इन जानवरों के लिए आपकी शादी का दिन बहुत ही दुखदायी रहा होगा। बता दें कि पेटा ने इंडिया में सोमवार को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इसे पोस्ट किया है। खबर है कि निक घोड़े की सवारी कर शादी भवन तक पहुंचे थे। पेटा के इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर काफी समर्थन भी मिल रहा है। वहीं पेटा इंडिया के सीईओ मणिलाल वलियाते के अनुसार प्रियंका ने शादी में पटाखे जलाने की भी कोई सूचना नहीं दी थी। ऐसे में शादी के सीजन में पेटा ने जानवरों के साथ कई अत्याचार न हो, इस पर नजर टिका रखी है।